नमस्कार दोस्तों, बोल स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस योगासन के बारे में जिसको करने से आपकी डाइजेशन की समस्या दूर हो जाएगी। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर बैठकर पांव सामने फैलाएं, पांव को घुटनों से मोड़ें और अब दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ ले आएं। आगे बढ़ें और शरीर को ऊपर उठाकर एड़ियों पर बैठ जाएं। ध्यान रहे छाती ना मोड़े, दोनों घुटने जमीन से सटे हुए रहने चाहिए। हाथ घुटनों पर रखें, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। जब तक संभव हो इसी मुद्रा में रहें और इसके बाद आरंभिक अवस्था में लौट आएं। ये एक चक्र हुआ। इस तरह आपको 3 से 5 चक्र करने हैं। इस आसन को गोरक्षा आसन कहा जाता है। ये आसन करना बहुत ही आसान है, इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। गोरक्षा आसन किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दरअसल गोरक्षा करते समय आपके शरीर के पिछले हिस्से पर दबाव पड़ता है जिससे वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसके अलावा गोरक्षा के नियमित अभ्यास से बवासीर में भी आराम मिलता है। ये योगासन शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। गोरक्षा घुटनों और जांघों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित अभ्यास से घुटनों के जोड़ों, कूल्हे और कमर को आराम मिलता है। इसके साथ ही ये शरीर की चर्बी घटाकर शरीर को सही आकार में लाने के लिए भी कारगर है। अगर आपको पाचन संबंधी परेशानी है या पेट में गैस बनती है तो रोजाना गोरक्षा का 10 मिनट अभ्यास करें। इसके अभ्यास से आंतों और लिवर की गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है और पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही योगासनों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।